पे रिजॉल्व हो रहे हैं तो फिर लोग क्यों इस अंग्रेजी निजाम की तरफ जाएंगे? और जो जिसकी वजह से प्रेसिडेंट जरदारी साइन नहीं कर रहे थे, उनकी सबसे बड़ी खौफ जो उनको मुब्तला है, जिसके अंदर का ऑर्डिनेंस को साइन नहीं कर रहे हैं, वो यही है कि अगर एक दफा लोगों को सस्ता इंसाफ मिलना शुरू हो गया तो ये पूरा जुडिशियल सिस्टम जो पाकिस्तान में है, ये वकील, ये लॉयर, ये सेशंस कोर्ट, ये सब खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएंगे। मर्दान के लोग भी, फिर नौशहरा के लोग भी, फिर कल पेशावर के लोग भी कहेंगे कि हमें भी निजाम शरीयत दे दीजिए कि हमें 15 दिन में इंसाफ चाहिए, हम 20-20 साल के मुकदमे नहीं भुगता सकते कचहरियों में। देखिए, एक खूनी इंकलाब शुरू हो चुका है, ना ये जुडिशरी देख रही है ना लॉयर्स देख रहे हैं। 60 साल इन्होंने मिलकर एज अ पैकेज इंसाफ नहीं दिया है लोगों को। एक आदमी के रीइंस्टॉल कर देने से इंसाफ नहीं आएगा लोगों के घरों में, लोगों के डोर स्टेप्स पे। ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं वो लोग। ना थाना कल्चर ठीक होगा, ना पुलिस रिफॉर्म होगी, ना अंग्रेजी कानून तब्दील होंगे, ना सेशंस और हाई कोर्ट फैसले जल्दी करेंगे। लेट्स कम आउट ऑफ दिस नॉनसेंस। इंसाफ नहीं आएगा इस मुल्क में। वो चंद केसेस के अच्छे फैसले कर देंगे, यस, तो क्या निजाम अदल से आ जाएगा? देखिए, बात यह है कि इस अंग्रेजी निजाम से तो नहीं आएगा। होता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग इज कि जब रियासत अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी नहीं करती तो एक स्ट्रीट रेवोल्यूशन आती है, एक इंकलाब बरपा होता है। और इसकी वाज़े मिसाल हमें सवात में नजर आ रही है, इसकी वाज़े मिसाल हमें ट्राइबल एरियाज में नजर आ रही है कि रियासत ने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की इंसाफ देने की। तो अब जो वहां के लोग हैं, यानी जो पाकिस्तान के तरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं, वो दहशतगर्द लोग हैं। हम साफ कहते हैं दे आर टेररिस्ट, दे आर नॉट मुजाहिदीन। उन्होंने सिर्फ लोकल सेंटिमेंट्स को इस्तेमाल किया है, क्योंकि किसी शरीयत में यह नहीं है कि लोगों को आप इस तरह ज़िबा करें या सरों में कीलें ठोक के मारें या कब्र में जो दफन हो जाए तो उसको निकालकर फांसियां दे दें आप। सी व्हाट दे आर डूइंग इज ना तो इस्लाम में, ना शरीयत है, ना इंसानियत है। ज्यादा मतलब वहां पे भी रिटेलिएशन तो है ना उनके खिलाफ, ऐसा तो नहीं है कि उनके पास रिटेलिएशन। तभी हम सुनते हैं हर थोड़े दिनों में कि वहां पे किसी एक को स्पाई होने के शक पर उनको उसको मार दिया। तीन एस्पेक्ट्स हैं। सवात इज अ डिफरेंट कॉमन प्लेस ऑल टुगेदर। सवात में जो शरीयत के लिए पहली बगावत या पहला रेजिस्टेंस शुरू हुआ था 1996 में हुआ था, 1995 में, उस वक्त 9/11 का इशू ही नहीं था। तो सवात के डायनामिक्स और हैं बिल्कुल। ट्राइबल एरियाज हैव डिफरेंट डायनामिक्स। सवात में 1970 तक, ये बात हमारे लोगों को नहीं मालूम होती है ज्यादा, तकरीबन 1970 तक सवात के अंदर काजियों का सिलसिला और निजाम अदल ही हुआ करता था। ये 1970 के बाद भुट्टो साहब के दौर में, कि जब उसको एनेक्स किया उन्होंने पाकिस्तानी रियासत में, तो वहां ये सेशंस कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स का सिलसिला चला गया। तो जो पुराने लोग हैं, जो वाली सवात के कानून में रहा करते थे, जो काजियों, अदालतों और शरीयत का निजाम था, दे वर वेरी हैप्पी। तो सवात के लोगों की हमेशा से डिमांड थी कि हमें ये अंग्रेजों का निजाम नहीं चाहिए, इसको आप ले जाएं, अपने पास रखें, हमें अपना शरीयत बेस्ड सिंपल सिस्टम दे दें कि हम काजी के पास रिपोर्ट करते हैं, वो काजी बुला के दोनों पार्टीज को बिठा के 5 मिनट में फैसले कर देता। अच्छा, सो देखिए, अगर काजी हुकूमत अपॉइंट करे, फेडरल शरीयत कोर्ट के तहत ये प्रोसेस काम करे, और पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों को और सरकार अपॉइंट करके और लोगों की डिमांड के मुताबिक उनको शरीयत बेस्ड सिंपल सिस्टम दे दिया जाए, तो फिर तालिबान जैसे लोग या मुल्ला फजलुल्लाह जैसे लोग उन सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट नहीं करते। हो ये रहा है कि लोकल सेंटिमेंट्स तो हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आई वुड लव टू नो कि इंडिया को क्या हासिल होगा हमारी सरहदों में, हमारी हदूद में दहशतगर्दी करके। उनको प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान की बोगी उनको जरूरी है। दे नीड टू क्रिएट क्राइसिस इन पाकिस्तान, दे नीड टू क्रिएट प्रेजेंट पाकिस्तान एज अ बिगर थ्रेट, कि यार ये मुल्क अगर होगा, उनको वहां पे एक प्रैक्टिकली जुकाम भी छींक भी आ जाती है उनके प्राइम मिनिस्टर को, कहते हैं आईएसआई ने कराई है। एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज दे, इट इज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी। अखंड भारत, जो ग्रेटर इंडिया, जिस तरह इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, उस तरह इंडिया अखंड भारत या ग्रेटर भारत बनाना चाहता है, और पाकिस्तान तो सबसे बड़ी रुकावट है। अगर ये पाकिस्तान को इनाहिलेट कर लेते हैं, खुदा ना खास्ता, जो कि इंशाल्लाह कभी नहीं होगा, तो फिर श्रीलंका, नेपाल, आसाम, दूसरे ममालिक को लेना इनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वी आर द बिगेस्ट ब्लॉक। श्रीलंका क्यों पाकिस्तान से तावन करता है? क्यों अभी पाकिस्तान ने मदद की है श्रीलंका की कि तमिल टाइगर्स को मार मार के निकाल दीजिए? ये इंडिया की फितरत है, इसकी साइकी है, उसकी हिस्ट्री है। एक तरफ श्रीलंका में वो तमिल टाइगर्स को सपोर्ट करके बगावतें बर्पा कर रहे हैं, फिर पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर पाकिस्तान में जगह जगह सब नेशनलिस्ट इथनिक कम्युनिटीज और मूवमेंट्स को प्रोड्यूस करके पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को तबाह कर रहे हैं, और पाकिस्तान की सियासत में, और हम कहेंगे इवन लॉयर्स की मूवमेंट में भी उनके एसेट्स शामिल हैं। और मकसद यह है कि कौम की आंखों में धूल झोंके, जो बात आपने शुरू में कही थी कि इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं उन पर बात नहीं की गई, एक इशू पर इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया गया, तो जबकि ये इशू उन इशूज के मुकाबले में जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इशूज हैं, तो बहुत छोटा इशू था। तो व्हाट वाज द रीजन, वर दे स्टूपिड? दे वर नॉट स्टूपिड। उसमें खासे लोग ऐसे थे कि जो इंडियन एसेट्स थे, ऐसे लोग ऐसे थे कि जिनकी कनेक्शंस वाशिंगटन से, न्यूयॉर्क से, लैंगले से मिलते थे जाके। वी नो दिस, आई एम नॉट गोइंग टू नेम देम, बट वी नो देम। सो द पॉइंट इज, द पॉइंट इज कि जो कुछ तवक्कुआत हम लोगों से वाबस्ता कर लेते हैं, जब इलेक्शन हुआ लोगों ने कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत आ गई, अब इस मुल्क में शहद और दूध की नहरें बहेंगी,
जो जानते थे उनको पता था कि कैसे मुमकिन है कि जिनकी फितरत में करप्शन हो उसके बाद वो आके शहद और दूध की नहरें बहाना शुरू कर दें। ज्यादा थी तवक्कात, बहुत ज्यादा, और यही तवक्कात लोगों को अभी चीफ जस्टिस से हो रही है। ये चीफ जस्टिस एक करप्ट डिकम्पोज और गले सड़े सिस्टम के अंदर दोबारा चीफ जस्टिस बनाया जा रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट करें हम उनसे? कुछ भी एक्सपेक्ट ना कीजिए। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, ना ये सिस्टम चेंज कर सकेंगे, ना सेशन, ना लॉ चेंज कर सकेंगे, ना प्रोसीजर चेंज कर सकेंगे, ना थाना कल्चर तब्दील होगा, ना सेशन और हाई कोर्ट्स के अंदर मुकदमा में करप्शन खत्म हो जाएगी, ना वकील करप्शन बंद करेंगे और ना लोअर जुडिशरी की करप्शन खत्म होगी। Then what is the hype all about? कुछ भी नहीं है। I'll be very honest with you. Balloon that's going to burst. It's a balloon, it's going to burst very quickly. बता रहे हैं आपको। देखिए होगा क्या कि एक आम आदमी जो टांगा चलाता है, पुलिस वाला उसको तंग करेगा तो वो फौरन चीफ जस्टिस को खत लिखेगा, चीफ जस्टिस सुमोटो एक्शन ले लेंगे उसके ऊपर, ये होगा फिर उसके बाद। But that's it. मगर इस तरह सिस्टम ना ठीक होता है, ना लोगों को इंसाफ मिलता है। ही इज अ गुड मैन, ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड, लेकिन जाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि अब जब वो बहाल हो गए अपने ओहदे पे तो उनको ऑनरेबली रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इस कदर कॉन्ट्रोवर्सी उनके बारे में बन गई है कि एक मुनसिफ के लिए, एक जज के लिए, एक आदिल जज के लिए टू रिमेन न्यूट्रल नाउ एक बहुत चैलेंजिंग जॉब होगा उनके लिए कि वो अपने आप को न्यूट्रल, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे बड़ा क्राइसिस हुआ है 71 के बाद वो NRO है। पूरी कौम के साथ जो खयानत की गई है, इससे ज्यादा बदतरीन जुल्म हमारे साथ नहीं हो सकता था। अगर ये चीफ जस्टिस वाकई चीफ जस्टिस का रोल अदा करें तो इनको सबसे पहले NRO को अटैक करना चाहिए कि ये कौम के साथ खयानत हो। व्हिच इज नॉट गोइंग टू डू नाउ, जो वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जब वो NRO को टच नहीं करेंगे और जब वो सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त हमारा पाकिस्तान की क्राइसिस का है, जो हमारी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क जिसने कर दिया वो NRO है, उसको टच नहीं करेंगे तो फिर इंसाफ फॉरगेट अबाउट। थैंक यू वेरी मच ज्यादा हमद साहब।